अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वेलकम टू सबिलास किचन। आज हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते, एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। आज ये नरगिसी कोफ्ते हम अपनी तरीके से बनाएंगे। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1/2 kg बीफ कीमा। आप कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, चिकन का कीमा या मटन का कीमा। इसको सबसे पहले मैं मिक्सी में पीसूंगी एक बार ताकि बहुत ही स्मूथ हो जाए। इसके बाद मैंने ये ली है एक छोटी प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च हैं और 4 लाल मिर्च हैं साबुत, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, इसको रफली चॉप कर लिया है। हम इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। साबुत लाल मिर्च नहीं है आपके पास तो लाल मिर्च का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसलिए पीस रही हूँ कि थोड़ी मोटी मोटी लाल मिर्च जो पीसती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कीमा एक बार मैंने मिक्सी में अच्छे से चला लिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि बारीक कीमा होता है। मैंने मिक्सी में एक बार इसलिए चलाया है ताकि जब हम अंडे के ऊपर कवर करेंगे इसको तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा क्योंकि अच्छे से मिक्स हो गया है। प्याज, हरी मिर्च और अदरक का और लाल मिर्च का भी मैंने ये दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। आप इसको पीसना नहीं चाहते हैं तो इसको बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कीमे में डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है ये गार्लिक पेस्ट, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक, 4 चम्मच मैंने लिए थे चने और आधा चम्मच खसखस, इसको बारीक पीस लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खसखस की जगह आप काजू या बादाम भी ले सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। 4 मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं। अब हम हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि कीमा हाथ पे ना चिपके। कीमा लेंगे, इसको मैं हाथ पे फैला लूंगी, कहीं से मोटा कहीं से पतला इस तरह से नहीं करेंगे, इकसार इसको एक जैसा हाथ पे फैला लेंगे। इसके बीच में हम ये अंडा रखेंगे और इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे और थोड़ा सा दबा के हम कवर करेंगे। अगर ये लूज होगा तो ये कीमा अंडे से हट जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर देंगे इसको। अच्छे से इसको शेप दे देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम बाकी अंडे भी कवर कर देंगे कीमे से। एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, इसमें हम ये कोफ्ते फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूंगी। हल्का हल्का चम्मच हम इसको चला लेंगे। ये नरगिसी कोफ्ते हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर फ्राई करने में कोफ्ते आपके टूटते हैं तो आप इस तरह से कोफ्ते के ऊपर धागा लपेटने के बाद उसको फ्राई करें, वो नहीं टूटेंगे। यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल लिया है, अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है और 1 चम्मच गार्लिक का पेस्ट है। लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, इसको मैंने पीस लिया है।
बिल्कुल मिनट तक हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज का कलर जो हल्का सा चेंज होने लगा है, अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर। इसको मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया है। यहाँ पर चीनी के साथ ये दो बोन्स थी मेरे पास हड्डियाँ, ये भी मैं साथ में इसी में डाल दूँगी, ग्रेवी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही हम डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। आपके पास जीरा पाउडर है तो एक छोटा चम्मच आप यहाँ पर जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अभी मेरे पास नहीं है, मैं इसमें अभी नहीं डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चम्मच दही। दही आप पहले टेस्ट कर लें, बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर खट्टी है तो थोड़ी कम डालें, नहीं तो ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से भून गई है, इसमें हम ये कोफ्ते डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें पानी, जितना आपको ग्रेवी को पतला करना है उतना आप इसमें पानी डाल दें। एक कप पानी मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसको हम 10 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। 10 मिनट तक ढककर मैंने ये कोफ्ते अच्छे से पका लिए हैं, अच्छे से कुक हो चुके हैं। गैस हम ऑफ कर देंगे। गार्निशिंग के लिए हम डाल देंगे ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया। अब इनको हम सर्व करेंगे। ये है हमारे नरगिसी सी कोफ्ते, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।